So, what's up, what up? I'm Gautam and I'm presenting you Wrestling Mania. तो आखिरकार क्या फाइनली मैं एक और लास्ट टाइम शील्ड का रियूनियन देखने को मिलने वाला WrestleMania 35 में और साथ ही साथ आखिर किस तरह से WWE Seth Rollins versus Brock Lesnar के मैच की एंडिंग करने वाली इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि गाइस हमें पता है कि काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए, और अगर यहाँ पर हम रोमन रीन्स का टाइटल रन निकाल दे बीच में से, तो ऐसे में भी फिर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को 700 से ज्यादा दिन हो चुके हैं यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए। और भैया जाहिर सी बात है, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर नहीं कभी चैंपियनशिप को डिफेंड करते, नहीं हमें मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब यहाँ पर अगर हम ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ पर WWE दो तरीके से इस मैच को एंड कर सकती है। पहला तरीका यहाँ पर कुछ इस तरह से हो सकता है, जहां पर अगर ब्रॉक लेसनर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा लेते हैं WWE के साथ में, और यहाँ पर WWE के ब्रॉक लेसनर को अलाउ नहीं करती कि वो UFC के साथ में फ्यूचर में भी डील करे, तो ऐसे में फिर ऑब्वियस है कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर WWE के अंदर ही ब्रॉक लेसनर स्टे करते हैं WrestleMania के बाद में, तो यहाँ पर WWE ब्रॉक लेसनर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं लेने वाली। अब पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर WWE यहाँ पर अलाउ कर देती है ब्रॉक लेसनर को कि वो यहाँ पर UFC के साथ में फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, तो इसके बाद में यहाँ पर ऑब्वियस ये चीज की फिर हमें यहाँ पर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस बनते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर WWE कहीं ना कहीं जिस तरह की WWE को हिट मिल रही है उन सब के चलते मुझे कहीं नहीं लगता यहाँ पर कि WWE ब्रॉक लेसनर को अलाउ करेगी कि वो UFC में जाके कम्पीट करे फ्यूचर के अंदर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मैच का जो रिजल्ट होगा वो भी यहाँ पर किसी ना किसी तरह से ब्रॉक लेसनर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रॉक लेसनर चाहेंगे कि वो UFC के साथ में फ्यूचर में डील करे, तो ऐसे में फिर WWE ब्रॉक लेसनर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप ले लेगी, और ऐसे में फिर हमें फाइनली जो फैंस को काफी लंबे टाइम से वेट था वो चीज हमें देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर हमें फाइनली सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम शील्ड के इन्वॉल्वमेंट की बात करें कि WWE इस मैच को शील्ड के इन्वॉल्वमेंट के साथ में किस तरह से एंड कर सकती है, तो ऐसे में पॉसिबली WWE यहाँ पर कुछ मेजर प्लान कर सकती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के लिए। अब ये चीज तो आप भी मानने से डिनाई नहीं करोगे कि अगर WWE यहाँ पर सेथ रॉलिंस को न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनाना चाहती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो हमें तगड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर WWE क्लीन लॉस नहीं करवाएगी ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि ऐसे में फिर ब्रॉक लेसनर का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा WWE के लिए। तो ऐसे में अगर यहाँ पर सेथ रॉलिंस न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तगड़ा तो देखने को मिलेगा। और जो सबसे बड़ी तगड़ी चीज है वो यहाँ पर शील्ड की देखने को मिल सकती है, जहां पर शील्ड ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर जाए और शील्ड एक काफी ट्रिपल पावर बॉम्ब लगा दे ब्रॉक लेसनर को, और उसके बाद यहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर शील्ड की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर पॉसिबली में डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस की हेल्प करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की करंट स्टोरी लाइन हमने देखी वहां पर हमें सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस दोनों साथ में ज्यादा मिलते हुए नजर आए हैं। हालांकि रोमन रीन्स इन दोनों के साथ में इतने मिलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन यहाँ पर हमें डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा मिलते हुए नजर आए, तो ऐसे में पॉसिबली डीन एम्ब्रोस के लिए भी WWE ने कोई बड़ा मैच प्लान नहीं किया इस साल के WrestleMania 35 में। तो ऐसे में यहाँ पर इस मैच में हमें सेथ रॉलिंस के साथ में हेल्प करते हुए नजर आ सकते हैं डीन एम्ब्रोस, जिसके बाद में पॉसिबली रोमन रीन्स भी यहाँ पर हेल्प करते हुए नजर आ सकते हैं, और इसके बाद में फाइनली हमें शील्ड का काफी बड़ा फाइनल रियूनियन देखने को मिल जाए, और इसके बाद में यहाँ पर शील्ड ट्रिपल पावर बॉम्ब लगा दे ब्रॉक लेसनर को, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस बन जाए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। या फिर हमें लास्ट के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है जहां पर सेथ रॉलिंस हरा दे ब्रॉक लेसनर को, इसके बाद में सेथ रॉलिंस न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए, और इसके बाद यहाँ पर डीन एम्ब्रोस और रोमन रीन्स एक तरह से सेलिब्रेट करने आ जाए सेथ रॉलिंस के साथ में उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की विक्ट्री को लेकर। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये निकल कर आती है कि अगर WWE यहाँ पर ब्रॉक लेसनर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेती है, तो यहाँ फिर हमें कुछ ना कुछ तगड़ा देखने को मिलेगा इस मैच में, क्योंकि ये चीज तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर WWE अगर सेथ रॉलिंस को यूनिवर्सल चैंपियन बनाती है, तो ये चीज कंफर्म है कि यहाँ पर फिर ब्रॉक लेसनर एकदम क्लीन लॉस नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें इस मैच में तगड़ा जरूर से जरूर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये थी हाल फिलहाल की कुछ प्रेडिक्शन इस मैच को लेकर कि हम इस मैच में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो गाइस कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोगों के क्या थॉट्स इस मैच को लेकर, साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि हमें इस मैच में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ आप किसको चाहते हो कि हमें यहाँ पर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनता हुआ नजर आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो तो लाइक कर ही देना, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह WWE के अपडेट्स और इंटरेस्टिंग स्टफ जानने को मिलते रहे। सो गाइस बी सेफ, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो।